मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है सच्ची, मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैम। चीप। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स दिन रात मेहनत करते हैं और यही रीजन है कि उनकी ऑलमोस्ट हर एक फिल्म सुपरहिट डिक्लेयर हो जाती है। बॉलीवुड के मेगा स्टार्स अक्षय कुमार और शाहरुख खान इंडस्ट्री को 20 साल से भी ज्यादा से रूल कर रहे हैं और इतने सालों से ये एक्टर्स अपने जबरदस्त कैरेक्टर्स और कोलैबोरेशन के जरिए लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं। जहां अक्षय कुमार को हम सब ने साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म 2.0 में देखा था, वहां शाहरुख खान ने अपने कैमियो के अनाउंसमेंट से लोगों को फिल्म के प्रति काफी एक्साइटेड कर दिया है। और ऐसे ही हर साल ये दिग्गज स्टार्स अपनी मूवी के साथ और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन दोनों मेगा स्टार्स ने कभी साथ में काम क्यों नहीं किया? कई सालों से ये एक्टर्स साइमल्टेनियसली मूवी रिलीज कर रहे हैं और ऑडियंस सिर्फ एक को ही नहीं बल्कि दोनों एक्टर्स को भरपूर प्यार के साथ उनकी मूवीज को सक्सेसफुल बनाती है। लेकिन फैंस बस इतने से ही खुश नहीं होते, वो चाहते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह और बॉलीवुड के खिलाड़ी दोनों साथ में एक मूवी में दिखाई दें। 25 साल के करियर में दोनों एक्टर्स ने सिर्फ 3 बार स्क्रीन शेयर करी है। यह अजूबा 1997 की फिल्म दिल तो पागल है में हुआ था जब अक्षय एस कैमियो नजर आए थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार का रोल कुछ मिनटों का ही था लेकिन फिर भी ऑडियंस ने अक्षय और शाहरुख खान के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया था। उसके 10 साल बाद 2007 की फिल्म हे बेबी में शाहरुख खान ने एस कैमियो एंट्री करी थी। शाहरुख खान की एंट्री से लेकर उनके एग्जिट तक लोग अपनी सीट से चिपक के बैठे थे। तीसरी बार यह अजूबा फराह खान की मूवी ओम शांति ओम के दौरान देखने को मिला जब अक्षय कुमार एज हिमसेल्फ नजर आए उनकी मूवी में। उनकी फनी परफॉर्मेंस और कमाल की एक्टिंग की वजह से वो सीन यूट्यूब पर काफी ज्यादा हिट हो गया था। दोनों एक्टर्स की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस काफी ज्यादा लाजवाब थी लेकिन फैंस अब दोनों सुपरस्टार्स को लीड रोल में देखना चाहते हैं। ऑडियंस चाहती है कि दोनों एक्टर्स एक साथ एक मूवी में लीड एक्टर बनकर काम करें। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान से एक क्वेश्चन दोबारा पूछा गया कि ये दोनों कब एक साथ काम करेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए बॉलीवुड के बादशाह ने कहा कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो सेट पे कोई नजर ही नहीं आएगा, अक्षय पैकअप करके जा रहे होंगे और मैं शूट करने के लिए आ रहा होऊंगा। इस जवाब को एक्सप्लेन करते हुए शाहरुख खान ने काफी मजेदार बात कही कि वो ज्यादातर रात में शूट करना पसंद करते हैं लेकिन अक्षय सुबह सुबह जल्दी उठकर शूट करते हैं। टाइमिंग मैच ना होने के कारण ये दोनों एक्टर्स एक साथ काम नहीं कर पा रहे। दोनों मेगा स्टार्स का वर्किंग स्टाइल और टाइमिंग काफी ज्यादा अलग है जिसकी वजह से हमने शाहरुख खान और अक्षय कुमार को एज लीड रोल एक भी मूवी में नहीं देखा। हालांकि दोनों एक्टर्स ने एक दूसरे की मूवीज में कैमियो रोल के जरिए एक साथ काम किया है लेकिन फिर भी ऑडियंस चाहती है कि ये दोनों एक्टर्स किसी बड़ी मूवी में लीड एक्टर के तौर पर हमारे सामने आए। अक्षय की कॉमिक टाइमिंग और शाहरुख खान के रोमांटिक साइड एक साथ एक मूवी में धमाका कर सकती है। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी मूवी बनेगी जिसमें ये दोनों सुपरस्टार्स एज मेन लीड काम करेंगे तब फिल्म को किसी एक्ट्रेस और किसी सपोर्टिंग एक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों एक्टर अकेले ही अपनी मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट बना सकते हैं। तो आप बताइए, क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार एक ही मूवी में एज लीड एक्टर काम करें? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। रात को घूमते क्यों रहते हो तुम? नींद नहीं आती? सुसु करना? इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, है? और रखते कहाँ? ये तालाब तुमने भरा है।